नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल बगरा न्यूज राजस्थान। तो चलिए पेश करते हैं आज की बड़ी खबर। बगरा न्यूज राजस्थान पर बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नई सूची जारी कर दी है। इस 13वीं सूची में 31 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। इस सूची में राजस्थान के 19 प्रत्याशी और गुजरात के 6 और उत्तर प्रदेश के 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। तो बड़ी खबर मगरा न्यूज राजस्थान पर, इस बार कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी टिकट दिया है। वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा राजस्थान की बीकानेर सीट से मदन गोपाल मेघवाल, चुरू से रफीक मेंडेला, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार, सीकर सीट से सुभाष महारिया और जयपुर लोकसभा सीट से ज्योति खंडेलवाल को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर मगरा न्यूज राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि अलवर सीट से जितेंद्र सिंह और भरतपुर सीट से अभिजीत कुमार जाटव, करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय कुमार जाटव और दौसा से सविता मीणा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, नागौर सीट से ज्योति मिर्ता और पाली सीट से बद्रीराम जाखड़ को टिकट दिया है। तो बड़ी खबर मगरा न्यूज राजस्थान पर, और जालौर सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं रतन देवासी और उदयपुर से रुबीर मीणा, बांसवाड़ा सीट से ताराचंद बगोड़ा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह युवा, कोटा से नमो नारायण मीणा और बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरह राजस्थान के 19 लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। राजस्थान की ताजा खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बजाएं।